आप सभी को मेरी तरफ से बहुत 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 ईद मुबारक हो। अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें और घर में ही रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आ गया हूं मैं एक और नए व्लॉग के साथ। तो गाइज आज है चांद रात और हमें थोड़ी बहुत तैयारियां और करनी थी, और वैसे भी आज लास्ट रोज आए। तो गाइज हमारी हो चुकी है नानी के दर पर इफ्तार की दावत, तो हमें वहां पर भी जाना है और मैं आपको एक और नई चीज़ दिखाता हूँ। गाइज देखिए, हमने कल जो सेटिंग करी थी ये दीवान उधर सामने डाल दिया था हमने। खैर ये तो अपनी जगह पर ही है, लेकिन ये दीवान जो वहाँ पड़ा था वो मेज वहाँ जहाँ वो सेफ अलमारी पड़ी है वहाँ पड़ी थी। घर वालों को सेटिंग नहीं आई पसंद, तो उन लोगों ने सेटिंग अपने आप ही खुद दोबारा कर ली है। और मुझे इस बात का बहुत अफसोस हुआ कि मेरी पूरी मेहनत जो है वो ख़राब जा चुकी है। मैंने इतनी मेहनत करके ये सारी चीज़ें सेट करी थी, लेकिन घर वालों को पसंद ना है, इन लोगों ने उठा के अलग रख दी है। सेफ अलमारी यहाँ सामने खड़ी थी और यहाँ से वो मशीन भी हट चुकी है। फिलहाल आज का दिन जो है मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आज चांद रात है। वैसे इतना भी ख़ास नहीं, क्योंकि लॉकडाउन में चांद रात इतनी ख़ास होने वाली नहीं है। वैसे भी ईद पर हम कहीं जा नहीं सकते, घर में ही हमें ईद मनानी होगी, क्या कर सकते हैं। चलिए गाइस, तो हम नानी के जाते वक्त मिलते हैं आपसे। चलिए गाइस, हम आ चुके हैं नानी के घर पर। आप देखिए तकते हैं, ये नानी के घर का एरिया है। इधर काफ़ी रौनक भी रहती है, और ये नीचे एक मैदान है जो कि गवर्नमेंट है, लेकिन ये इसमें अभी पार्किंग बनी हुई है, गाड़ी खड़ी होती है यहाँ पर। वो ये देखिए, देव भाई और फहद भाई बैठे हैं। क्या कर रहे हो आप, देखा ना, ये देखिए कॉल ऑफ ड्यूटी खेलने जा रहे हैं। और एक बंदा वहाँ से भी आया है, वो देखो वापस लौट गया, कोई इंटरेस्ट नहीं होने यहाँ छत पर घूमने में। तो फिलहाल अभी टाइम मेरे ख्याल से क्या बज रहा होगा, 6:40 हो चुके हैं और 20 मिनट बचे हैं इफ्तार में। आज हमारा जो है लास्ट इफ्तार है, आज से रमज़ान को हम अलविदा कह देंगे। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा रमज़ान जा रहे हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है रमज़ान में गाइस, रौनक ही अलग होती है। तो फिलहाल चलिए मिलते हैं इफ्तार के बाद। हम आ चुके हैं दोबारा और हमने चांद भी देख लिया है। आप सभी को चांद मुबारक हो गाइस। तो सुबह ईद हो जाएगी, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा जो हमेशा आता था, वो मज़ा अब नहीं आने वाला। ईद में घर में रहना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, बाहर निकलने पर रोक टोक के। जैसे हर बार ईद पे छोटे मोटे बच्चों के लिए झूले आते थे, वो झूले भी नहीं आएंगे। और देखो रमजान चले गए हैं, तो बिल्कुल बेफिक्री से ठूसा जा रहा है, पता नहीं क्या खा खा रहा है। मेरे लिए भी लाना चाहिए था सब सूट। तो अब रमजान चलेगा, सब खाएगा तुम्हारा भाई। ये बेदीन लोग हैं, ये बेदीन लोग हैं, इन्हें रमजान जाने की खुशी हो रही है। चुप हो, मुझे अफसोस हुआ था रमजान जाने का थोड़ा सा। तो गाइस मैं आपको थोड़ी सी चहल पहल है हमारे इधर एरिया में। तो अब भी खाने के लिए फ्रिज में कुछ ढूंढ नहीं रहा, इससे बड़ा भुलक्कड़ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। पहले तो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ की रौनक। काफ़ी गाड़ी चल रही हैं, लोग जा रहे हैं, शायद वैसे तो उधर बैरिकेड लगे हुए हैं सामने, लेकिन क्या पता आज परमिशन मिल गई हो आने जाने की, तो मतलब काफ़ी गाड़ी जा रही हैं। आप देख सकते हैं इतना रश इस रोड पर मैंने अभी तक लॉकडाउन में नहीं देखा जितना आज है। काफ़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, उधर भी देखिए थोड़ा रश नज़र आ रहा है। देखिए यह मेन हाईवे है, इतना रश नहीं होता जितना आज हो रहा है यहाँ के रोड पर। आज लोग चांद रात सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो करनी भी चाहिए भाई। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो ये देख के। पिछले लॉकडाउन में जो है इतनी चहल पहल नहीं थी चांद रात पर जितनी अब के लॉकडाउन पे। तो गाइज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि मुझे मतलब मैंने ईद के कपड़े नहीं बनाए हैं, मुझे
शर्म सी महसूस होती अगर मैं ईद के कपड़े बना लेता। वजह यह है कि कुछ लोग हमारे शहर में, हमारे इंडिया में ऐसी मुसीबतों से लड़ रहे हैं जिनके पास बेचारों के खाने के लिए भी नहीं है, तो उनके पास पहनने के लिए क्या होगा। तो हम ईद पे कपड़े बना के और ऐसे माहौल में ईद को सेलिब्रेट करके उन लोगों को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। हम इस बार एक ईद अगर नहीं भी मनाएंगे तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल गाइस मेरा यही कहना है, ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे किसी का दिल दुखे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब तो ज़रूर करें।